हेलो एवरीवन, इट्स मी रेना कौशिक। सो इन लास्ट वीडियो हमने ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वांटम का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कम्यूटेटर्स के बारे में। बेसिकली कम्यूटेटर कुछ नए नहीं होते हैं, कम्यूटेटर इज अ प्रॉपर्टी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हर्मिशियन हुआ या कम्यूटेटर हुआ, तो ये वर्ड्स क्या है कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी को, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं इन अ क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है, अभी मैं उसको आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। अब बेसिक आपको एक चीज क्लियर है और क्लियर आउट कर देती हूँ कि ये जो वीडियोस में क्रैश कोर्स सीरीज चला रही हूँ क्वांटम की, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन या फिर आपको बहुत लेंदी डेरिवेशन करके बताऊंगी। क्यों? क्योंकि है ना, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको आपको बहुत हाई लेवल की स्टडी करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस तरह के वीडियोस बनाती हूँ। बट मेरा मोटिव इस सीरीज में ये है कि मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँ, ट्रिकी वे में बताऊँ, ताकि आप विद इन सेकेंड्स में आप कोई भी इजीली क्वेश्चन क्वांटम के रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली ये मेरा एक ट्राई होगा कि उनके लिए मैं क्वांटम को बहुत इजी बना दूँ और वो सेकेंड्स में उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो मैं आपको जितने भी कम्यूटेटर के ट्रिक्स है, कम्यूटेटर के बेसिक फॉर्मूलाज है, उनके ट्रिक्स है, उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगी। और जितने भी अभी तक 2011 से 2019 तक जितने भी एग्जाम्स में कम्यूटेटर रिलेटेड 7-8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको सारे प्रॉब्लम्स में इस सिंगल वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटर के मीनिंग से। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर कोई स्पेसिफिक ऑपरेटर्स नहीं है। कम्यूटेटर एक तरह से किसी दो ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है। इसका मीनिंग हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि साथ साथ चलना। ठीक है, अपन बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम में अगर हम बेसिकली क्या करते हैं, दो प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें मैंने आपको पोजीशन ऑपरेटर बताया था, मोमेंटम ऑपरेटर बताया था, एनर्जी ऑपरेटर बताया था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उन सब में हमने क्या कहा था कि अगर मान लो कि मुझे पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है और मुझे मोमेंटम भी फाइंड आउट करना है, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को एक साथ में फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो ये दोनों वैल्यूज कैसी है? कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये दोनों एक साथ साथ में हमें फाइंड आउट हो सकती है। और अगर ये दोनों एक साथ में एक ही टाइम पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब बेसिकली जितने भी कम्यूटेटर्स होते हैं, उसके लिए मान लो ये किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, साई पे ऑपरेट कर रहे हैं, दो कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टी होती है। मान लो मेरा एक ऑपरेटर है ए और एक ऑपरेटर है बी। ठीक है, और ये दोनों एक फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये अगर कम्यूटेटर है तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। अगर जीरो आती है तो देट आर कम्यूटेटर्स। ठीक है, और अगर नॉट इज इक्वल टू जीरो आती है तो ये क्या होते हैं? नॉन कम्यूटेटर्स होते हैं। बेसिकली कोई भी कम्यूटेटर होता है, वो कुछ तरह की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं। इन कम्यूटेटर्स की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इनकी क्या होती है कि दैट कम्यूटेटर्स आर एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक से क्या मीनिंग है कि मान लो मेरे पास में दो ऑपरेटर है ए एंड बी। ठीक है, और मैं इसको किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट कर रही हूँ। अगर मैं पहले ए ऑपरेशन करती हूँ, देन मैं बी ऑपरेट करती हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अगर मैं पहले बी ऑपरेटर को यूज करती हूँ देन ए ऑपरेटर को यूज करती हूँ, उसकी हमेशा एंटी सिमेट्रिक आती है। मतलब अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। सो ये हुआ इसका एंटी सिमेट्रिक रूल। अब एंटी सिमेट्रिक रूल को मैं आपको बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ दो एग्जाम्पल लेके। जैसे कि मान लो मेरे ऑपरेटर है डी बाय डी एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब देखो इन दोनों ऑपरेटर्स में, इन दोनों ऑपरेटर्स का निकालने का मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इनका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, मैं आगे और फॉर्मूलाज बताऊंगी। अब मान लो कि मेरे यहाँ पे पावर है इसकी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? टू एक्स आएगी। अगर यही ऑपरेटर मैंने इस तरह से लिखा होता एक्स की पावर स्क्वायर इज इक्वल डी बाय डी एक्स, और मुझे इस ऑपरेटर को निकालना होता, तो ये ऑपरेटर मैंने क्या किया, पहले मैंने डी बाय डी एक्स ऑपरेट किया था, अब मैं पहले क्या ऑपरेट कर रही हूँ? एक्स स्क्वायर को ऑपरेट कर रही हूँ। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन आएगी। तो ये आएगी माइनस टू एक्स। क्यों? क्योंकि ये दो कम्यूटेटर हमेशा एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और मैं आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ।
देखो यहाँ पे मैंने दो तीन इजी फॉर्मूलाज है, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, इसलिए अगर आप एक दो फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। मेन चीज हम कहाँ फंसते हैं एंटीसीमेट्रिक में, कि हमें ये माइनस का निशान हमें क्या करता है, फंसा देता है। ऑप्शन ऐसे ही देता है ना कि सिमिलर होंगे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि मान लो कि देखो, अब ध्यान से देखना, मेरा मैंने मुझे ऑपरेटर दिया हुआ है एक्स की पावर एन और पी एक्स, ठीक है, पोजिशन और एंगुलर मोमेंटम का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इसका फॉर्मूला होता है आयोटा एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब देखो यहाँ पे पहले x की पावर n है, इसलिए यहाँ पे प्लस में आया है, ठीक है। अगर मैं इसको अपोजिट में लिखूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पहले मैंने x लिया है तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू आई है, और बाद में सेकंड में यहाँ पे क्या आया है, पहले मोमेंटम ऑपरेटर लिया इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, उसके लिए इस तरह का एक आपको सिंपल सा डायग्राम याद रखना है। जब मैं एरो की डायरेक्शन में जाती हूँ, मतलब क्लॉकवाइज जाती हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। और यही अगर मैं हमारा मूवमेंट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे एक्स से हम जा रहे हैं पी पे, यानी एक्स से पी पे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। और यही मैं पी से अगर एक्स की साइड जाऊंगी तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल से आपको एक डायग्राम याद रखना है, और आपको अगर कोई भी मोमेंटम ऑपरेटर या किसी का भी दिया है तो आपका प्लस माइनस की गलती कभी भी नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्लस और माइनस की गलती खत्म हो जाएगी। अब एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक्स की पावर एन दिया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें भी क्या आया है, एक्स की पावर एन माइनस वन आया है। और यहाँ पे जब मैंने पी की पावर मोमेंटम की पावर ली है एन, तो यहाँ पे क्या आया, पीछे फॉर्मूला में भी क्या आया, मोमेंटम की पावर एन माइनस वन। मतलब जिसका भी आपको पावर दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। तो ये दो तीन फॉर्मूले याद रखोगे तो तीन इजिली याद हो जाएंगे। नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी। लीनियरिटी का क्या मीनिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि कोई भी अगर ऑपरेटर कम्यूटेटर है तो वो हमेशा लीनियर वे से हमेशा ऑपरेट करेगा। इसका क्या मीनिंग है, कि जैसे कि मान लो आपको इस तरह से दिया हुआ है a कॉमा बी प्लस सी। अब देखो आपका फर्स्ट ऑपरेटर क्या है, a, आपको इसको b और c पे ऑपरेट करना है, तो ये क्या करेगा, हमेशा स्टेप बाय स्टेप करेगा, पहले b के साथ ऑपरेट करेगा, देन ये सी के साथ ऑपरेट करेगा। जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक रूल्स में करते थे ना, वैसे ए कॉमा बी प्लस बी कॉमा सी, ये हुआ इसका लीनियरिटी प्रिंसिपल। मतलब अगर हम इसको इस तरह से ऑपरेट करेंगे, वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर हम इसको दोनों ऑपरेटर्स पे पर्सनली ऑपरेट करते और उसका एडिशन कर देते तो उसके इक्वल आएगी। जैसे कि मान लो अब अगर कई बार ऐसे दे देता है उल्टा लिख के ए प्लस बी कॉमा सी, मतलब आपको सी को ऑपरेट करना है ए प्लस बी पे। मतलब इस कॉमा का बहुत मीनिंग होता है, कि कॉमा क्या बता रहा है, कि आपका कौन सा ऑपरेटर किस पे ऑपरेट कर रहा है, इसलिए आपको हमेशा इसको फाइंड आउट करना है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये वैल्यू किसकी इज इक्वल टू आएगी, ए कॉमा सी प्लस बी कॉमा सी के इक्वल आएगी, ठीक है। कई बार आपको चार ऑपरेटर दे देता है, मान लो ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी कॉमा सी माइनस डी, इस तरह से दिया है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पहले ए और सी का, ए कॉमा सी माइनस ए कॉमा डी, एक एक करके ना, पहले सी ऑपरेट हुआ ए पे, फिर डी ऑपरेट हुआ, ठीक है, प्लस बी कॉमा सी माइनस बी कॉमा डी। सो ये हुआ इसका लीनियरिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ नहीं है, लीनियरिटी में हमारा एडिशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है एक तरह से मल्टीप्लीकेशन, ए कॉमा बी इंटू सी दिया हुआ है। इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है, तो सीधा प्रॉपर्टी से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए क्या करना, बहुत ईजी है। एक बारी क्या करो, जहां से कॉमा है ना उसके नेक्स्ट वाले ऑपरेटर्स में एक बारी जो फर्स्ट ऑपरेटर है उसको इस साइड बाहर ले लो, और सेकंड टाइम में जो सेकंड ऑपरेटर है उसको इस साइड बाहर ले लो। तो ये क्या आएगा, पहले मैंने बी को बाहर लिया, बी तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए कॉमा सी प्लस, फिर मैंने सी को बाहर लिया तो ए बी कॉमा क्या आया, बाहर क्या आया, सी। सीधा सीधा सा ये मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत ईजी है, बस ये एरो बना लो आप
एक बार ही आपको फर्स्ट को बाहर लेना है, एक बार ही आपको सेकंड को बाहर लेना है, ठीक है। जैसे कि देखो अब नेक्स्ट, जैसे कि ए बी कॉमा सी है, ठीक है। तो एक बार ही मैं किसको बाहर लूंगी, ए को, एंड सेकंड टाइम में बी को। तो मैंने बाहर लिया ए बी कॉमा सी प्लस ए बी ए सी कॉमा बाहर आ गया बी, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। कोई भी ऑपरेटर इसी तरह से वे करता है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं ना, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है एक्स कॉमा पी एक्स स्क्वायर है। ये जो अभी जो हमने फॉर्मूला से किया ना, वो तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पर अगर हम लेंथी वे से सॉल्व करते हैं तो इसका क्या मीनिंग है कि ये इस तरह से एक्स कॉमा पी एक्स कितनी बार है, दो बार है, दो बार पी एक्स है। तो अब मैं इसको ऑपरेट करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले मैं एक बार इस पी एक्स को बाहर लूंगी, पी एक्स एक्स कॉमा पी एक्स प्लस एक बार मैं इसको बाहर लूंगी एक्स कॉमा पी एक्स पी एक्स, और फिर मैं इसको एक एक करके ऑपरेट करूंगी। यहाँ पे वैल्यू रखूंगी पी एक्स की, मैंने क्या रखूंगी, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। मैंने आपको ऑपरेटर वाले वीडियो में बताया था ना कि पी की मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, पर इसको मैं यहाँ पे इस वे से सॉल्व करना आपको नहीं बता रही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका सिंपल सी ट्रिक ही बता दी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पी की पावर एन माइनस वन आयोटा एच कट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज की, एंटीसिमेट्री, लिनियरिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगी। क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर जो होता है ना, वो हमेशा खुद के साथ में एनी ऑपरेटर कम्यूट विथ इट्सेल्फ और इट्स पावर। इसका क्या मीनिंग है कि मान लो मैंने कोई ऑपरेटर लिया है, मेरा ऑपरेटर मान लो डी बाई डी एक्स है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और मैं उसको ऑपरेट कर रही हूँ डी बाई डी एक्स की पावर फोर। कोई भी पावर दिए मैंने, फोर दिए, फाइव दिए, कुछ भी दिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम ऑपरेटर उसकी साथ में या फिर उसी की किसी पावर के साथ में हमेशा कम्यूट करता है। कम्यूट करता है दैट मीन यह वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। तो आपको इसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल सा है, सेम ऑपरेटर दिखा, उसकी कोई भी पावर है तो ये क्या आएगा, ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी ऑपरेटर होता है जो कम्यूट करता है, वो किसके साथ कम्यूट करेगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, अगर आपको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी है तो ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा। कैसे, ए कैप स्मॉल ए इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में, क्वेश्चन आया था एक्स कॉमा एक्स पी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अंदर सॉल्व करूंगी एक्स कॉमा पी एक्स। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स पी एक्स क्या होता है, इज इक्वल टू आयोटा एच कट एन पी की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पी की पावर कितनी है, वन, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो कितना आएगा आयोटा एच कट। तो ये क्या आया, एक्स कॉमा अंदर की वैल्यू आयोटा एच कट। अब देखो अब मैं एक्स को किसके साथ में ऑपरेट कर रही हूँ, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितने आएगी, इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर एक कांस्टेंट के साथ में क्या करेगा, हमेशा कम्यूट करेगा, और इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ टू ऑपरेटर्स मल्टीप्लीकेशन हैव इट्स ऑपरेशन देन दे ऑलवेज कम्यूट। इसका क्या मीनिंग है कि मान लो जैसे मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ ऑपरेटर्स सिंपली क्या करते हैं, ओनली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पोजिशन ऑपरेटर हुआ, या फिर मैंने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हुआ, ये दोनों क्या करते हैं, इनको हम किसी भी ऑपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि अगर कोई दो ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको आप ऑपरेट करते हो, तो आप क्या यूज करते हो, नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन ही यूज करते हो। जैसे कि मोमेंटम में जो हम क्या यूज करते हैं, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, तो हम डिफ्रेंसिएशन यूज करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। सो ये मोमेंटम ऑपरेटर पे अप्लाई नहीं होगी, ये उन्हीं ऑपरेटर्स पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो सिर्फ जो जिनका ऑपरेशन किसके थ्रू होता है, ओनली मल्टीप्लीकेशन के थ्रू।
वो हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल है कि अगर मेरा मेरे मैंने दोनों ऑपरेटर लिए हैं, पोजिशन ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर लिया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी, कम्यूट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन ये दोनों ही किस तरह से ऑपरेट करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हुई सिक्स प्रॉपर्टी। अब सेवेंथ हम बात करते हैं हमारे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, अब देखो एंगुलर मोमेंटम के जो हमें जब हमें कम्यूटेटर पूछता है तो उसके लिए बहुत इजी सी ट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक ये है कि मान लो आपके दोनों, आपको कोई भी दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम के साथ में, आपको पोजीशन मोमेंटम या फिर आपको एंगुलर मोमेंटम ही दिया है, वो भी सेम डायरेक्शन यानी सेम कोऑर्डिनेट के साथ में दिया हुआ है। मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम का कोऑर्डिनेट एक्स है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट भी क्या है, एक्स। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का कोऑर्डिनेट एक्स है और एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन आपका ये नॉर्मल मोमेंटम का ऑपरेटर भी कोऑर्डिनेट भी क्या दिया हुआ है, एक्स, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। मतलब अगर आपके दोनों कोऑर्डिनेट सेम है तो हमेशा क्या आएगी वैल्यू, सेम कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हमेशा वो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। अब देखो एल वाई और y दिया है तो जीरो, जेड जेड है दोनों तो जीरो, यहाँ पे भी दोनों सेम है। मतलब जहां पे अगर आपको दोनों सेम दिख जाते हैं तो वो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। हमेशा याद रखना, पर एक कोऑर्डिनेट आपका क्या, एक आपका ऑपरेटर क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। ये इट्स अ नेसेसरी, आप यू नहीं देख सकते कि अदर आपको कोई ऑपरेटर दिए और अगर आप उनके कोऑर्डिनेट सेम है तो आप उनको सीधा कम्यूट कर दें। इट्स अ एंगुलर मोमेंटम प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ सी आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके सेम नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में देखना कि अगर मेरा एल एक्स और वाई दिया हुआ है, पी वाई, यहाँ पे मैंने पोजीशन के साथ में लिया, यहाँ पे मैंने दोनों मोमेंटम्स के साथ में और यहाँ पे दोनों एंगुलर मोमेंटम्स के साथ में, बस मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स सेम नहीं रखे तो ये जीरो तो वैल्यू आएगी नहीं। तो इस कंडीशन में आप हमेशा एक डायग्राम याद रखो, एक्स वाई जेड। अब देखो बहुत ईजी है, सिंपल, एक्स वाई फर्स्ट जा रहा है तो अगला क्या आएगा, एक्स वाई के बाद में जेड आएगा, तो सिंपल आयोटा एच कट और फिर क्या है, पी जेड, इट्स अ वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा एच कट, वाई वाई जेड के बाद में एक्स है, पी एक्स, यहाँ पे जेड एक्स के बाद में आयोटा एच कट पी वाई, यहाँ पे एक्स वाई के बाद में क्या आएगा, आयोटा एच कट, सिंपल पोजीशन है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं है इसलिए नॉर्मली क्या आएगा, जेड, यहाँ पे आयोटा एच कट वाई, यहाँ पे आयोटा एच कट एक्स, दोनों एंगुलर मोमेंटम है तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा एच कट एल जेड, आयोटा एच कट एल एक्स, आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, सिंपली बस सिंपल डायग्राम से चले जो रह गया उसको लिख लिया। ध्यान रखना है कि आपका सेकेंड ऑपरेटर क्या है, पी है तो यहाँ पे पी लगाना है, नॉर्मल पोजीशन ऑपरेटर तो यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन ही लिखनी है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अब मान लो कि आपको इसको अपोजिट करके दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया कि वाई पहले एक्स बाद में, तो हमेशा याद रखना कि ये जो एरोज है ना, अब वही सिस्टम है कि अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू। अब देखो मैं वाई से एक्स की साइड आ रही हूँ, वाई से एक्स की साइड, यानी मेरा मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा एच कट एल जेड आएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सिंपली आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो एक्स से जेड जा रही हूँ, एक्स से जेड एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट एल वाई, यहाँ पे जेड वाई, वापस से एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो माइनस आयोटा एच कट और नॉर्मल पोजीशन ऑपरेटर है इसलिए एक्स। समझ गए यहां तक। नाउ सी इन एंगुलर मोमेंटम हम एक और ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसका नाम है लैडर ऑपरेटर। लैडर ऑपरेटर को हम बेसिकली इजीली फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, एल प्लस इज इक्वल टू होता है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई और एल माइनस इज इक्वल टू होता है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज इजीली होते हैं। कई बार ऑपरेटर इन्हीं कम्यूटेटर इन्हीं का पूछ लेता है कि एल प्लस और एल माइनस का कम्यूटेटर क्या है, या फिर अपोजिट देके पूछ लेता है, तो इसके फॉर्मूला क्या है, बेसिकली एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड
और इसका फॉर्मूला है एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हो आपको दूसरा इजीली हो जाएगा, इतने हार्ड नहीं है। अब देखो एक होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था एल एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में। अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो वो क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं एल स्क्वायर से, और इट्स इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। अब देखो अगर आपको कम्यूटेटर पूछता है इस आपके टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल स्क्वायर का किसी भी एक कोऑर्डिनेट के साथ में, इट्स कैन बी एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो वो हमेशा किसके इज इक्वल टू आएगा, जीरो के इज इक्वल टू आएगा। ऐसे ही अगर मैं एल की पावर एन का ऑपरेटर कम्यूटेटर पूछती हूँ एक्स के कोऑर्डिनेट में या फिर मोमेंटम के साथ में, तो वो भी हमेशा क्या आती है, वैल्यू इज इक्वल टू जीरो ही आएगी, चाहे आपको कुछ भी दे दिया जाए यहाँ पे एक्स वाई या जेड, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स है जो याद रखनी है, ठीक है। देर इज सम लास्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे देखो एल एक्स और एल प्लस आपका लेडर ऑपरेटर दिया है, अगर आपको इन दोनों का कम्यूटेटर बताना है तो इट विल बी आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। एल वाई दिया है तो ये क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। देखो दोनों है आयोटा एच कट एल जेड ही, बट एक्स के साथ में तो क्या आया, दोनों के साथ में यहाँ पे क्या आया आपके माइनस आया, ठीक है। पर अगर देखो जब मैंने क्या लिया था, प्लस कोऑर्डिनेट लिया था, ठीक है। अब और यही देखो अगर मैं माइनस लेती हूँ, लेडर ऑपरेटर कौन सा लेती हूँ, माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा आयोटा एच कट एल जेड और यहाँ पे भी आयोटा एच कट एल जेड। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जब मैंने माइनस लिया है तो ये वैल्यू क्या आई है, प्लस में आई है, और जब मैंने प्लस वाला लेडर ऑपरेटर लिया है तो ये वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है, ठीक है। अब देखो अगर एल जेड के साथ में करती हूँ, ये तो हुआ वाई एक्स और वाई के साथ में, एल जेड के साथ में करती हूँ तो क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पे, कि एल जेड के साथ में प्लस में वैल्यू करने पे ये वैल्यू भी किस में आई, प्लस में आई और आयोटा हट गया। ऐसे ही एल जेड और एल माइनस लिया तो ये वैल्यू किस में आई, माइनस में ही आई। थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बताऊँ क्यों, क्योंकि अगर अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तो लास्ट क्वेश्चन कम्यूटेटर में 2018 में पूछा गया था, ठीक है। उस तो इस बार काफी हाईली चांसेस है कि कम्यूटेटर से पूछा जाए, वो भी एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेटर से पूछ सकते हैं क्योंकि इससे पूछा नहीं गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये आप छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद कर लोगे ना तो बहुत ईजी रहेगा, इट्स वेरी इजी ट्रिक्स। अब देखो मैं एल स्क्वायर के साथ कर रही हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एल स्क्वायर के साथ मैं किसी को भी कम्यूट करूंगी तो ये क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। सो इट्स वेरी इजी ट्रिक। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर ए और बी दोनों नॉन कम्यूटेटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ऑल आइगन वैल्यूज और ऑपरेटर क्या होंगे। तो देखो इसने क्या बोला है कि नॉन कम्यूटेटिंग के, अगर कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होते तो वो वैल्यू कैसी आती, आपके आइगन वैल्यूज रियल आती, ठीक है। बट ये तो अगर नॉन कम्यूटिंग है, कम्यूट नहीं कर रहे ये साथ में, ठीक है, मतलब इनकी जीरो नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यूज आइगन वैल्यू कैसी होगी, इमेजिनरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये मैंने अभी आपको करवाया था एक्स कॉमा पी एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एन आयोटा एच कट एन पी की पावर एन माइनस वन, तो ये क्या आया, आयोटा एच कट एन कितना है, टू, तो टू आयोटा एच कट पी एक्स, ओके। तो इट्स अ वैल्यू, इसके ऑप्शन क्या थे, इसके ऑप्शन में यहाँ पे मोमेंटम की जगह क्या दे दिया था, नॉर्मल एक्स दे दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिसकी भी पावर दी हुई है ना, आपको उसी का फॉर्मूला में उसी को पुटअप करना है। अगर आप इतना सा ध्यान रख लोगे ना तो बस एक सिंपल फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया, आपको इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना इसका कम से कम 5-1 मिनट का सॉल्यूशन होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया और आपको पूछा है कि आपको इसको सॉल्व करना है, इसका कम्यूटेटर बताना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, एस जेड एस प्लस, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, एस प्लस की वैल्यू रख लूंगी, यहाँ पे एस प्लस क्या आएगा, एस जेड कॉमा एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको क्या बोला था, लीनियरिटी प्रिंसिपल से हम इसको ऑपरेट करेंगे, लीनियरिटी प्रिंसिपल ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एस जेड कॉमा एस एक्स प्लस एस जेड कॉमा
आयोटा बाहर आ गया एस वाई, ठीक है। अब देखो मैंने एंगुलर मोमेंटम में अपन ने कैसे याद किया था फॉर्मूले से, एक्स वाई और जेड का हमने बनाया था। तो देखो जेड जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा एच कट एस वाई। क्यों? क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम क्या आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू में आएंगे, ठीक है। प्लस आयोटा, अब देखो जेड वाई, जेड वाई यानी हम एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट एस एक्स, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे क्या आया, आयोटा एच कट एस वाई माइनस ये क्या आया, आयोटा स्क्वायर एस एक्स एच कट। अब देखो हमारे आयोटा की आयोटा वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस वन। तो ये टोटल ही हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये वैल्यू आई आयोटा एच कट एस वाई प्लस एच कट एस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, वन हो गई। अब यहाँ पे मैंने कॉमन लिया एच कट, तो ये आया आयोटा एस वाई प्लस एस एक्स। अब देखो हमारे हमें क्या दिया हुआ है, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई इज इक्वल टू एस प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू की कितनी आई, एच कट एस प्लस, इट्स विल बी द आंसर। देखो हमने इजीली, अगर हमें हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद था तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए हमारा लीनियरिटी प्रिंसिपल लगा के। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा दिया, इसमें क्या था, हम अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो कॉन्स्टेंट के साथ में क्या आएगा, ऑलवेज वैल्यू विल कम इज इक्वल टू जीरो। नाउ सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको रिलेशन दिया हुआ है कि कब ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, ए कैप प्लस बी कैप इज इंटू ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कैप स्क्वायर माइनस बी कैप स्क्वायर, तो ये कब यहाँ पे फॉलो होगा। तो देखो जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए कैप स्क्वायर, ए कैप स्क्वायर माइनस ए बी, ए कैप बी कैप, नॉर्मली मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस बी कैप ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू कब आएगी, ए कैप स्क्वायर माइनस बी कैप स्क्वायर के, जब ये पूरा वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब अब ऑप्शंस चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड या थर्ड में से, तो सेकंड या थर्ड में से देखो हमारा एक एक तो किसमें आना चाहिए, प्लस में और एक माइनस में, दोनों का एडिशन इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन, अगर ये जीरो आ गया, ये वैल्यू जीरो हो गई, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारी, ए कैप स्क्वायर माइनस बी कैप स्क्वायर के, तो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पोजीशन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को दिया हुआ है। तो अगर हम जान, मैंने आपको बताया था कि हैमिल्टोनियन दोनों एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, तो इट विल बी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। अब देखो, अब मैं इसको लीनियरिटी प्रिंसिपल से ऑपरेट करूंगी, एक्स ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अब मैंने देखो आपको क्या बताया था, अभी रूल प्रॉपर्टी बताई थी कि जब दोनों ऑपरेटर्स कैसे हो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो वो वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल टू जीरो आती है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो के इज इक्वल टू, तो ये आएगा एक्स कैप कॉमा के कैप। अब के कैप की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो देखो, एक्स कैप कॉमा पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम, तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगी, वन अपॉन टू एम आया कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक्स कैप कॉमा पी की पावर स्क्वायर। अभी तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, इसमें हमारा कौन सा, आयोटा एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन वाला, तो ये कितना आएगा, टू आयोटा एच कट, तो ये वैल्यू क्या आई, वन अपॉन टू एम इंटू टू आयोटा एच कट पी एक्स, तो ये कट गया, तो इट विल बी आंसर हमारा क्या आएगा, आयोटा एच कट अपॉन एम पी एक्स, सो इट विल बी योर आंसर। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको जो भी हमारी प्रॉपर्टीज थी उनको अप्लाई करके इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया।
लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे है। इसने क्या बोला है कि अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इज इक्वल टू जीरो और ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर इज इक्वल टू जीरो है तो विच वन इज करेक्ट। तो देखो मैं आपको यहाँ पे सिंपली करेक्ट वाला बताती हूँ, बाकी तीन को आप अप्लाई करके देखना। जो हमारा ये ऑप्शन है, अगर मैं इसको हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऑपरेट करती हूँ तो ये क्या आएगा, एक बार मैंने बी को बाहर लिया तो बी ऑपरेटर अंदर क्या रहा, ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर, प्लस एक बार मैंने सी को बाहर लिया तो क्या आएगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर बाहर आ गया सी। तो अब देखो ए सी इज इक्वल टू जीरो है और ए बी इज इक्वल टू बी क्या है, जीरो। तो ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, जीरो। सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है, देखो जहां पे मैंने आपको बताया था पोजीशन और मोमेंटम के ऑपरेटर्स के साथ में, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आयोटा एच कट एन एक्स की पावर या पी की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर मान लो कि आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हो और आपकी वैल्यू आपको सिंगल पावर्स दी हो तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या आती है, आयोटा एच कट आती है। बट एक चीज ध्यान देना कि इसका बेसिक फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, डेल एम एन आयोटा एच कट, एम एन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को बताता है। अब देखो अगर मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम है तो इनकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। अगर ये मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, अलग अलग है, यानी एक एक्स से ये वाई है या एक एक्स से एक जेड है या कुछ भी है वाई जेड है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, मेरी जीरो के इक्वल टू आएगी। अगर ये वैल्यू जीरो आ गई तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और अगर ये वैल्यू सेम कोऑर्डिनेट वाली है तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, आयोटा एच कट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना इस फॉर्मूला के थ्रू हम गलत भी कर सकते हैं। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स अलग दिए हुए हैं तो हमारा जीरो आएगा। जैसे कि देखो y और पी वाई मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरा सेम मेरा कैसा ऑपरेटर है, सेम कोऑर्डिनेट वाला है, सेम कोऑर्डिनेट वाला है तो ये वैल्यू क्या आएगी, आयोटा एच कट ही आ रही है, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑपरेटर्स लिए हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x और y, दोनों के अगर कोऑर्डिनेट्स अलग है, ठीक है, ये सिर्फ एंगुलर मोमेंटम और पोजिशन मोमेंटम के लिए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग है तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यहाँ पे z और x है तो ये क्या आएगी, जीरो। ऐसे ही अगर सिंपल आपको दो पोजिशन ऑपरेटर्स के लिए दिया है तो भी अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आएगी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इसको सीधा फॉर्मूला से करने चलते हैं ना तो हम सबकी वैल्यू आयोटा एच कट ही ला के रख देंगे। सो इट्स नॉट राइट, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स अलग आते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है, जीरो के इक्वल आती है, और अगर सेम आती है तो ये आपका आयोटा एच कट आता है।